अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा आज का जो व्लॉग है वो है चाइना की विलेज लाइफ पे, कि यहाँ की जो विलेज लाइफ है वो किस तरह है, वो मैंने भी यहाँ पर कभी नहीं देखी। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे जो रूरल एरिया है उनका भी विज़िट करवाएं, कि वहाँ की घर कैसे होते हैं, वहाँ की लाइफ कैसे होती है। तो हम स्पेशली ख़ास आप सब के लिए वहाँ पे गए हैं। और अलीशबा ने भी माशाल्लाह से फ़र्स्ट टाइम गांव देखा है और बहुत इंजॉय कर रही है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। वैसे अलीशबा का तो अपना विलेज है पाकिस्तान में, लेकिन ये बिल्कुल छोटी थी और चाइना आ गई है तो इसने कभी भी गांव की लाइफ नहीं देखी। तो आज अलीशबा भी माशाल्लाह से एंजॉय कर रही है। और आप देखें कितना प्यारा वेदर है और कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी माशाल्लाह। आप देखें कितना प्यारा विलेज लग रहा है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी हमारे एरिया से, वैसे तो बहुत ही दूर था ये, लेकिन खास स्पेशली आई थी कि चाइना के आप इतनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखाते हैं, इसके अलावा क्या वहाँ पे विलेज लाइफ भी है, अगर है तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्पेशली खास हम आपके लिए यहाँ पे गए हैं, आगे भी आप बहुत प्यारे प्यारे होम आएंगे यहाँ के और लोग भी आएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी कुछ आंटी आ रही हैं हमसे मिलने के लिए कि कौन आया है हमारे गांव में, तो ये सब आ रही हैं। और यहाँ पे एक दूसरे से मिलकर नी हाओ बोलते हैं, जैसे हम सलाम करते हैं ये लोग बोलते हैं नी हाओ, मतलब हेलो। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि हम पाकिस्तान में अपने विलेज में आ गए हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से, बहुत आप देख सकते हैं इतना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। निष्पा भी इंजॉय कर रही है यहाँ पे। माशाल्लाह अलीशबा यहाँ पे बहुत खुश हो रही है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ के घर दिखाते हैं कि वो कैसे हैं, सब आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। हम विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आए हैं, आप देखें। अब आ गए हैं यहाँ के घर, आप देखें कितने प्यारे प्यारे होम बने हुए हैं यहाँ के। और एक आदमी स्कूटी पे घास लेकर भी जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में भैंस का चारा वगैरह के लिए घास लेकर जाते हैं, उसी तरह एक आदमी यहाँ पर भी घास लेकर जा रहा है स्कूटी पे रख के। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं यहाँ पे। विलेज का एरिया है लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे। और करीब एक नहर भी नजर आई और उसके अंदर फ्लावर की कोई सजावट वगैरह की हुई थी, वो मैंने करीब जाकर तो नहीं रिकॉर्ड की, दूर से मैंने थोड़ी रिकॉर्ड की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ।
और यहाँ पे एक और अंकल नज़र आ रहा है, वो भी आ रहा है और उसको ने माशाल्लाह से 3-piece सूट पहना हुआ है। उसको पता लग गया कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो अपने आप को थोड़ा सेट कर रहा है, वो भी देखें। और यहाँ पे गोबर का काम चल रहा है और आगे मुझे करीब एक ट्रैक्टर भी नज़र आया छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गांव भले पाकिस्तान का हो या चाइना को, गांव तो गांव ही होता है, बिल्कुल वैसे ही सेम है। बस मुझे यहाँ के जो घर है वो ज़्यादा अच्छे लगे कि यहाँ के घर जो बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे, विलेज के घर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और यहाँ पे एक छोटा सा डोगी भी है, ये भी बांधा हुआ था, ये भी हमें देख रहा है। स्पेशली हमने खास वीडियो गाँव की रिक्वेस्ट की वजह से बनाई थी और हम बहुत धूप में गए थे ताकि हम वापस घर भी जा सकें, इसलिए हम यहाँ पर दिन में गए ताकि घर भी दूर है और टाइम पे घर भी पहुँचाएँ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इंशाल्लाह हम और भी यहाँ की जो गाँव की लाइफ एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा घर दिखाएँगे कि और भी यहाँ पर कितने विलेज है। बालिश भी तंग हो गई कि वापस चलो, थोड़ा रो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जियाँ कुछ मैं दिखा रही हूँ, ये भी इनके घर के करीबी बनी हुई थी, ये भी सारी माशाल्लाह से। और यहाँ पे करीब ही हमें एक पार्क नज़र आ गई तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठ गए और अलिशबा भी यहाँ पर आकर खुश हो गई, यहाँ पे खेलने लगी है, माशाल्लाह से एंजॉय कर रही है यहाँ पे अलिशबा। और कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, यहाँ की चाइना की लाइफ। अभी तो मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना अभी हो सका तो हमने किया, क्योंकि हमें वापस घर भी जाना था तो हमने कहा पहले हम जाकर देखें कितना दूर है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और भी दिखाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है कैसी लगी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमेशा ऐसे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।